हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आपने आपके फ़ोन के अंदर ये सेटिंग अगर इनेबल नहीं की है गूगल के अंदर, तो हो सकता है जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो किसी को पता लग सकती है, कोई उसको हैक कर सकता है, कोई उसको यूज कर सकता है विदाउट आपके मर्जी के बिना। ठीक है, तो वो सेटिंग क्या है, वो कैसे करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। अगर आपने आपके फ़ोन के अंदर ये सेटिंग नहीं की है तो हो सकता है जो आपका बैंक डिटेल्स है वो कोई और यूज कर ले और आपका जो अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई और एक्सेस करके आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये सेटिंग करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके फ़ोन के अंदर। तो वो सेटिंग क्या है फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका मोबाइल है उसकी सेटिंग्स को आपको ऑन कर लेना है और आपको यहाँ पर गूगल का एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर गाइज आपको यहाँ पर गूगल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सर्च पर जाइए और यहाँ पर गूगल टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर गूगल का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको आपका यूज़र आईडी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोफिल का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको ऑटोफिल विद गूगल का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर भी क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिफ्रेंस का, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस लास्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपका एंटर कर लेना पासवर्ड यूजर नेम जो भी आपका है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अगर ये सेटिंग्स आपका डिसेबल्ड है आपके फ़ोन के अंदर तो ये दोनों की दोनों सेटिंग्स आपको ऑन करके रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका इन्फॉर्मेशन होगा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा और ना ही आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कोई यूज कर पाएगा अगर आपने आपके फ़ोन के अंदर ये सेटिंग करके रखा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके फ़ोन के अंदर आपने ये सेटिंग्स नहीं किया है तो हो सकता है जो आपका बैंक डिटेल्स है, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी को पता लग जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सेटिंग बंद ऑन करके रखना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा और इससे आपको कुछ मदद मिला है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।